आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अधिकतर देखा जाता है कि कैंसर के कारणों का कोई पता नहीं लगता, परंतु चिकित्सक कहते हैं कि लोगों की बदलती जीवन शैली, पान मसाला और धूम्रपान का प्रयोग करने से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देश में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अधिकतर देखा जाता है कि कैंसर के कारणों का कोई पता नहीं लगता, परंतु चिकित्सक कहते हैं लोगों की बदलती जीवन शैली, पान मसाला और धूम्रपान का प्रयोग करने से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देखिए, जैसे आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कैंसर के पेशेंट पहले से बढ़ तो रहे हैं, और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये आ रही है कि एक एक पेशेंट्स में कुछ में डबल डबल मैलिग्नेंसी मिल रही है। यानी सपोज एक पेशेंट को जैसे अभी खाने की नली का कैंसर था, तो फॉलोअप के पेशेंट चला था, खाने की नली का कैंसर का इलाज पूरा हो गया, कुछ टाइम बाद पता चला कि उसको पेशाब की थैली का यानी ब्लैडर का कैंसर निकल गया है। इसी टाइप से एक पेशेंट को खाने की नली का कैंसर था, साथ में उसको दिमाग का कैंसर जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं वो भी निकल के आया, इसके अलावा उसको ओरल कैविटी का। SN मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग की कैंसर दीदी प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि गुप्ता का कहना है कि पहले लोगों में कैंसर एक प्रकार का होता था, परंतु कुछ समय से देखा जा रहा है कि मरीजों में एक से अधिक प्रकार के कैंसर मिल रहे हैं। तो किसी भी अंग का कैंसर ताउम्र बना रहता है, अगर कोई पेशेंट किसी चीज़ का एडिक्शन करता है तो यानी उसको जीवन भर अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है। ये नहीं कि अगर एक जगह की बीमारी ठीक हो गई तो दूसरी जगह नहीं आ सकता, तो वो दूसरी जगह भी आ रहा है, और हमें कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और मेडिकल फील्ड के लिए बड़ा चैलेंजिंग भी है ये चीज़ कि पेशेंट की एक बीमारी का इलाज करने के बाद दूसरी बीमारी का इलाज करना, तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है और पेशेंट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। SN मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग की कैंसर दीदी प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि गुप्ता का कहना है कि अधिकतर देखा जा रहा है जिनको मुंह का कैंसर हुआ है उनको 2 से 3 प्रकार के कैंसर हो रहे हैं, जिसमें पेट और ब्रेन का कैंसर देखने को मिल रहा है। कई बार पेशेंट की क्वेरी ये होती है जब पूछते हैं कि एडिक्शन क्या नहीं किया, उनका सीधा सा जवाब होता है हमने कभी जीवन में तंबाकू नहीं खाया, हमने कुछ भी सेवन नहीं किया। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कैंसर खाली एक रिस्क फैक्टर नहीं है कैंसर का। कैंसर को हम लोग मल्टी फैक्टोरियल रिस्क फैक्टर कहते हैं। आपकी जीन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने किया हो, अगर आपकी फैमिली में किसी ने किया है। अभी कुछ रिसर्च स्टडी ये भी बता रही हैं आपके अगर फादर ने सपोज किया है या आपके फादर के फादर ने किया है, कुछ स्मोकिंग वगैरह है, कुछ इस टाइप का कंजेशन किया है, तो जीन म्यूटेशंस हो जाते हैं। SN मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग की कैंसर दीदी प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि गुप्ता का कहना है कि एक समय के बाद हर इंसान को साल में एक बार अपना नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, जिससे समय रहते बीमारियों का पता लगाया जा सके। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट।